सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं आप जो वैकेंसी की अपडेट बताने वाला हूँ, अगर आपको भी टाटा स्टील की तरफ से जो है जॉब को पाना है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आपको आवेदन करना कैसे है, इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कैसे फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सभी के सभी आपके डाउट मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो बस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके नहीं बताया है तो भाई जल्दी से बता देना। देखो, यहाँ पे कमेंट करने से फायदा आपको ये होगा कि हमें पता चलता रहता है कि आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब हम आपको उसी से रिलेवेंट अपडेट जॉब कराएंगे जो आप कमेंट करके अपनी योग्यता को हमें बताओगे। तो भाई बता देना, 5 सेकंड का काम है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आपको लोकेशन जो है वो जमशेदपुर के अंदर देखने को मिलेगी। कई लोगों का ड्रीम होता है कि भाई जमशेदपुर के अंदर प्लांट में हमें नौकरी मिल जाए, और जमशेदपुर प्लांट में आपको बहुत सारे बेनिफिट के साथ साथ में सैलरी बहुत ही तगड़ी देखने को मिलती है। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके पास किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको फटाफट से अपडेट वहाँ पे मिलती रहे। तो गाइस देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे मिलेंगे आपको, जॉब बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट लेवल ऐप के बारे में। नेक्स्ट लेवल ऐप भी जो है एक यहाँ पे AI पावर्ड जॉब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे फ्री हायरिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो आपके लिए बहुत सारी जॉब्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लेवल के थ्रू AI का इस्तेमाल करके इनके रिक्रूटर्स को उम्मीदवार की विजिबिलिटी 10 गुना तक बढ़ जाती है। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी जॉब्स कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि डाटा एनालिस्ट की है, एंड्रॉयड डेवलपर की है, फुल स्टैक डेवलपर की है, एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे लगभग 2000 से ज़्यादा कंपनियाँ जो है यहाँ पे आपको नौकरी प्रदान करेंगी। एंड यहाँ पे जो है साथ ही साथ आप अपने जो जॉब्स के लिए यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं विद डिफरेंट कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी 2000+ देखने को मिलेंगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। हाई कंपनी पे करेंगी यहाँ पे अप टू यहाँ पे 50 लाख पर एनम तक आपको देखने को मिलेंगी टॉप कंपनीज के लिए इन इंडिया। यहाँ पे टॉप कंपनीज हायरिंग करती हैं और नेक्स्ट लेवल के थ्रू लाइक पेटीएम हो गया, बजाज, मेसो, रिलायंस, इंडिया मार्ट, LIC एंड मैनी मोर। यहाँ पे आप टेक और नॉन टेक कंपनियों के लिए आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल के थ्रू आप जहाँ पे अनलिमिटेड जॉब्स को यहाँ पे देख पाएंगे, 3000 से ज्यादा जॉब्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, नेक्स्ट लेवल के थ्रू आप AI इंटरव्यूज का उपयोग करके शॉर्टलिस्टेड होने की संभावना को आप 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। गाइस देखो, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, इसीलिए ये इस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस मत करना। और अगर आप मान लीजिए आवेदन भी नहीं करते हैं तो नेक्स्ट लेवल ऐप के थ्रू आपको जॉब जो है वो यहाँ पे रिकमेंड होती रहेंगी। तो अगर आप भी अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं तो यार देखो, इंतजार मत करो। अभी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लिंक दे रखा है नेक्स्ट लेवल ऐप का, अभी उसे डाउनलोड करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो गाइस, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, लाइक आपको आवेदन कैसे करना है, इसमें प्रोसेस क्या होगा, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में अपने अपनी योग्यता को अभी तक नहीं डाला है तो भाई कमेंट करके जरूर से बता देना। चलिए बात करते हैं, इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि टाटा स्टील कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है और यहाँ पे जो है लाखों की संख्या में एम्प्लॉय जो है काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि टाटा स्टील ने अभी रिसेंटली एक पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लोकेशन आपकी जमशेदपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें आवेदन कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, ये सभी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो बस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, डिटेल बाय डिटेल और स्टेप बाय स्टेप, तब आपको समझ में यहाँ पे सारी डिटेल्स आएगी। अब जैसे कि हम बात करेंगे, टाटा स्टील के द्वारा यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, किस पोस्ट के लिए किया है, ये सभी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली आपको बताया गया है कि आपको आवेदन करना कैसे है और यहाँ पे कौन से पद पर भर्ती निकली है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी, ठीक है। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे बता रखी है, एक बार यहाँ पे चेकआउट जरूर से कर लेना जो भी कैंडिडेट नए हैं, ठीक है।
अगर वो वीडियो के थ्रू अगर समझ में नहीं आ पाता है तो आप आर्टिकल की मदद से आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं, और साथ पे आप जो यहाँ पे आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो भी आप यहाँ पे समझ पाएंगे और आवेदन भी कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे हम बात करेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टोटल पोस्ट है, अप्लाई मोड है, ठीक है, लास्ट डेट क्या है, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट क्या है, तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को एक बार ही मिल जाती है। तो एक बार यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लिया करो। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे इसमें जो देखिए यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें देखिए यहाँ पे इसका टाटा स्टील के बारे में, कंपनी के बारे में बताया गया है कि टाटा स्टील कंपनी किस तरह से काम करती है, कैसे रन करती है, इंडस्ट्री में कैसे काम करना होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे पोस्ट नेम की। जैसे कि आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा यहाँ पे पोस्ट नेम, तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजर की पोस्ट निकल कर आ रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैकेनिकल के अंदर। एंड यहाँ पे दूसरी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टर सर्विसेज डिपार्टमेंट में, तो ये आपको दो पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें जो पद निकल कर आ रहे हैं इसमें आपको आवेदन करना कैसे होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं, तो एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपको आवेदन करना है यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बात करेंगे इसमें एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है आप देख सकते हैं मिनिमम जो एज रहेगी आपकी वो आपको 18 वर्ष यहाँ पे देखने को मिलेगी, मैक्सिमम जो एज रहेगी वो आपको 28 वर्ष यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट टाटा स्टील कंपनी के लिए मैनेजर के पद पर और असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आवेदन करेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन या फिर बीई बीटेक होना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए कंपलसरी है, ये आपको बताया गया है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इन स्टेप्स के थ्रू आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट डेट्स आपको क्या देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो है वो 17/6/2024, यानी कि 17 जून 2024 तक यहाँ पे लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। इस डेट से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। तो देखिए आप सबसे पहले तो आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, और यहाँ पे रिज्यूम वगैरह, कवर लेटर वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये आपके पास ये सभी जो डिटेल्स बताई गई हैं और डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन फीस की, तो आप देख सकते हैं कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। चलिए आपको अप्लाई का जो प्रोसेस है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको आवेदन करना कैसे होगा। तो गाइस देखो सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है गूगल पर आ जाना है, ठीक है। अब गूगल पर आओगे, गूगल पर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको सर्च बार का ऑप्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आप गूगल में किसी चीज को सर्च करते हो ना, तो आपको जो है यहाँ पे टाइप करना होगा ऑनलाइन जॉब तक। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको डायरेक्टली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, बाई चांस अगर वो काम नहीं करता है तो गूगल में आपको आना है और यहाँ पे टाइप करना है ऑनलाइन जॉब तक। ऑनलाइन जॉब तक आपने टाइप कर दिया एंड सबसे पहली वाली जो टैब ओपन होगी आपको सिंपली क्या करना है, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल के ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टाटा स्टील रिक्रूटमेंट 2024, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद मैंने आपको जो बताई थी बेसिक डिटेल्स वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, देन नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे लिंक देखने को मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, नोटिफिकेशन का लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है मेरे, तो ये सभी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पे लिंक जो इनके मिल जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो लिंक दे रखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैनेजर का जो पोस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपने बीई या फिर बीटेक कर रखा होना चाहिए मैकेनिकल के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आपको अप्लाई का बटन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। देन आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपको क्या करना होगा। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका अपना नेम, ठीक है, मिस्टर मिसेज जो भी हो वो नेम देना होगा। लास्ट नेम, आपको अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, जो भी आप ईमेल आईडी को यूज कर रहे हो वही ईमेल आईडी डालें, अन्यथा दूसरी ईमेल नहीं डालें जो बंद हो आपकी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फोन नंबर आपका क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे जो आपको भर देना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको फिर नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे जेंडर, तो भाई जेंडर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स, आप जैसे कि आपकी करंट सिटी कौन सी है वो आपको टाइप करना होगा। एंड यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी, सॉरी एक्सपेक्टेड सीटीसी आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो नोटिस ऑफ पीरियड में आपको देना होगा। अगर टाटा की ग्रुप में, कंपनी में कहीं पे भी काम कर रहे हो तो उसको आपको ब्यौरा देना होगा। आपने डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस पर सेलेक्ट करिएगा। आपने टाइप ऑफ कोर्स आपका कौन सा है, फुल टाइम या पार्ट टाइम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को अपलोड करना है और देन यहाँ पे आपको अपने नेम डालने के बाद फिर आपको सबमिट जो एप्लीकेशन बटन देखने को मिल रहा है नीचे, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिटेड सक्सेसफुली भर जाएगा और कंपनी के पास आपका जो ब्यौरा है वो पहुंच जाएगा। जो भी आपको रेस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा आपको ईमेल के थ्रू, तो ईमेल को जरूर से चेक करते रहना कभी कभी, ठीक है, क्योंकि भाई ईमेल पर ही आपको सारी डिटेल्स जो है बताई जाएंगी, वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक नेक्स्ट लेवल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप साइन अप करके आप अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।